नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के एसआईपी से हम वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी स्मॉल कैपिटल से। तो चलिए चलते हैं ऐप पर जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं मैं ऐप पर आ चुका हूँ और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो है मात्र 600 रुपये, जिसका अभी करंट वैल्यू है 623 रुपये, मतलब 23 रुपये का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैंने 15 दिन पहले ही शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं 15 दिन के अंदर मुझे लगभग 4% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। और 7 तारीख मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे 20 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। यह है वो वीडियो जिस पे मैंने बताया था 20 रुपये का रिटर्न मुझे मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ। और आज है 9 तारीख, ये डेट आप देख सकते हैं, 7 तारीख। तो आज मुझे मिल रहा है 23 रुपये, मतलब 3 रुपया ज़्यादा मिल रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं मैं कौन कौन सा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया था। पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट है 105 रुपये, मतलब 5% का रिटर्न मुझे आज मिल रहा है। और 25 तारीख को मैंने ये एसआईपी शुरू किया था, ये डेट आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर। उसके बाद HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का SIP किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट है 105 रुपये, मतलब 5% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और इस पर भी मैंने 25 तारीख SIP शुरू किया था, ये आप डेट देख सकते हैं 25 अक्टूबर। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का SIP किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट 104 रुपये है, मतलब 4% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और इस पर भी मैंने 25 अक्टूबर को SIP शुरू किया था। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का SIP किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट है 104 रुपये, मतलब 4% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और इस पर मैंने 26 तारीख को SIP शुरू किया था, ये डेट आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर। उसके बाद कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का SIP किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट है 103 रुपये, मतलब 3% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और ये डेट भी आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर को मैंने ये SIP शुरू किया था। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का SIP किया था। ये डेट आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर और इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, जिसका करेंट अमाउंट है 103 रुपये। तो चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 600 रुपीस और ये करेंट अमाउंट है 623 रुपीस। और इन्वेस्टेड जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, यह है 25 तारीख और आज है 9 तारीख। तो 25 तारीख को कोई रिटर्न मुझे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दिन मैंने SIP शुरू किया था इसके वजह से। उसके बाद 26 तारीख मुझे 0.11% का नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद 27 तारीख, उस दिन मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद 28 तारीख, उस दिन भी मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है।
उसके बाद 29 तारीख, उस दिन भी मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 30 तारीख, उस दिन मुझे 7 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 31 तारीख, उस दिन भी मुझे 7 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 1 तारीख, उस दिन मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 2 तारीख, उस दिन मुझे 10 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 3 तारीख, उस दिन मुझे 15 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 4 तारीख, उस दिन भी मुझे 15 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 5 तारीख, उस दिन भी मुझे 15 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 6 तारीख, उस दिन मुझे 20 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 7 तारीख, उस दिन मुझे 21 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 8 तारीख, उस दिन भी मुझे 23 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है 9 तारीख, जो आज है, और आज भी मुझे 23 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं इतना छोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके कितना अच्छा रिटर्न मुझे मिल रहा है। और आप भी अगर ऐसे ही रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा रिटर्न मिल सकता है स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अगर मेरा जो पिछले वाला वीडियो है वो ना देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक पर जाके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।